الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعلم بهن قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي وعدهن خمسا قال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم حضرات علماء كرام معزز حاضرين और नौजवान साथियों जानशीन इमाम अहले सुन्नत ने कुछ जुमले कहे तो साफ करूं हजरत का कह देना मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है ये मेरे बड़े हैं और मैं इनका छोटा हूँ ये इनका एज़ाज़ व इकराम है और खुर्द नवाजी है कि ये जुमले इन्होंने फरमाए मैं तो इशारों पर और सिर्फ एक फ़ोन पर आना अपने लिए बाइस सआदत समझता हूँ मौलाना ने अब्दुल जलील साहब से कह दिया ये काफ़ी था और मैं यहाँ आया और अल्हम्दुलिल्लाह दफ्तर में ठहरा किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं कोई परेशानी नहीं और मौलाना ने जो टाइम बताया मैं हाजिर हो गया ये मेरे लिए सआदतमंदी की बात है और इंशाल्लाह जब तक जीऊँगा इस सआदतमंदी का इजहार करता मेरे दोस्तों और साथियों ये जलसे और ख़ास तौर पर एक मखसूस उन्वान के ये जलसे हमें अपने बुज़ुर्गों की अपने बड़ों की याद दिलाते हैं शुहदाए इस्लाम के ये जलसे उस वक्त तक पूरे तौर पर कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे दिलों में सहाबा की मोहब्बत जन्म नहीं लेगी हमें बड़ों से जुड़ना सिखाता है ये जलसा बड़ों के सामने झुकना सिखाता है ये जलसा बड़ों की अकीदत दिल में बिठाने का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो यही इन जलसों का मकसद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बड़ों से जुड़ करके उनके नक्श कदम पर चलते हुए ज़िंदगियों को गुजारने की तौफीक अता फरमाए मेरे दोस्तों और साथियों जैसा मौलाना ने फरमाया मैं लंबी गुफ्तगू का आदी नहीं लेकिन जो बात कहूँगा वो कुरान व हदीस की रोशनी में कहूँगा और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आप इस अज़्म के साथ गुफ्तगू को सुनिए कि इंशाल्लाह जो कुछ सुनेंगे उस पर अमल करें मैंने एक रिवायत पढ़ी है
उस रिवायत को नकल करने वाले हैं एक सहाबी जो बहुत मशहूर हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु एक वाक़या नकल फरमाते हैं। फरमाते हैं कि सहाबे किराम का मजमा था, आका के इर्द गिर्द आपके जानसारान बैठे हुए थे। आका ने फरमाया, मन याखुदु अन्नी हाउलाइल कलिमात फयअमलु बिहिन्न औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्न। मुझसे ये चंद नसीहतें कौन हासिल करेगा? और फिर आगे आपने फरमाया, मुझसे इन चंद नसीहतों को सीखने के लिए सामने आने की कोशिश वही करे जो सीखने के बाद खुद भी अमल करे और दूसरों तक पहुंचाने के फरीजे को अंजाम दे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आका जैसे ही अपनी गुफ्तगू फरमा करके खामोश हुए, सबसे पहले मैंने कहा, अना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, मैं इन नसीहतों को सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं ख़ुद भी अमल करूँगा और दूसरों तक भी इसको पहुँचाने की भरपूर कोशिश करूँगा। फरमाते हैं, आका ने मुझे करीब बुलाया, मेरा हाथ पकड़ा, فَأَخَذَ بِيَدِي وَعَدَّهُنَّ خَمْسًا, आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पांच नसीहतें की। मेरे दोस्तों, ये नसीहतें आब ज़र से लिखने के काबिल हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वो नसीहतें हैं जिनसे आपकी दुनिया भी बनेगी, आपकी आखिरत भी बनेगी। ये वो नसीहतें हैं जो आपके घर के की ऐसी दीवार पर लिखी हुई रहनी चाहिए जहाँ सुबह शाम आपकी नज़र पड़ती हो, ताकि आप इसको पढ़ते रहें और अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करते रहें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आका ने मुझे पांच नसीहतें की और देखो, इन नसीहतों को ज़िक्र करने से पहले दो शर्तें आपने बयान फरमाई कि ये नसीहतें मुझसे वही हासिल करें जो ख़ुद भी अमल करे और इन नसीहतों को दूसरों तक पहुंचाने का फरीज़ा भी अंजाम दे। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप इन दोनों कामों के लिए तैयार हैं? अगर ख़ुद भी अमल करें और दूसरों तक भी इसको पहुंचाएं ताकि और लोग भी अमल करें, तो यकीनन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर हम इसको सुन लें और न खुद अमल करें न दूसरों तक पहुंचाने की फ़िक्र करें, तो याद रखिए, इसके सुनने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या पांच नसीहतें की? देखो, सबसे पहली नसीहत, हम सुनते हैं कि नमाज पढ़ो, हम सुनते हैं रोज़े रखो, हम सुनते हैं हज करो, हम सुनते हैं ज़कात दो। क्यों? इसलिए कि नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है, मालदार पर ज़कात देना फ़र्ज़ है, साहिब इस्तिताअत पर हज करना फ़र्ज़ है, इसलिए हम ये फ़राइज़ सुनते रहते हैं। लेकिन याद रखो, आज जो पांच बातें बता रहे हैं आका, उसका ताल्लुक नमाज से नहीं है, रोज़े से नहीं है, हज से नहीं है, ज़कात से नहीं है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात फ़र्ज़ है, उसको करना तो लाजिम और ज़रूरी है। लेकिन याद रखो, नजात उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक कि इन पांच कामों को भी हम अंजाम न दें। वो पांच काम हैं क्या? अगर आप ये चाहते हो कि आपकी नमाज़ें कबूल हों, अगर ये चाहते हो कि रोज़े कबूल हों, अगर ये चाहते हो कि हज कबूल हो, अगर ये चाहते हो कि ज़कात कबूल हो, तो इन पांच बातों का ख्याल रखें। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर इंसान की नेकियों की कबूलियत का दारोमदार है। क्या हैं वो पांच चीज़ें? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु को गिनाते हैं। उन पांच चीज़ों में से पहली चीज़ फरमाते हैं, इत्तकिल महारिम तकुन अबदन नास। ए अबू हुरैरा,
तुमने नमाज भी पढ़ ली, तुमने रोज़ा भी रख लिया, तुमने हज भी कर लिया, तुमने ज़कात भी दे दी, लेकिन याद रखो अभी तुम इबादत गुजार बंदों में अपना नाम शामिल करवाने में कामयाब नहीं हुए हो। ये आका नमाज पढ़ने के बाद भी मैं इबादत गुजार नहीं हूँ? फरमाते हैं नहीं। रोज़ा रखने के बाद भी नहीं, हज ज़कात करने के बाद भी नहीं। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि तुम इबादत गुजार बंदों में अपना नाम शामिल करने में कैसे कामयाब होगे? ये आका मैं कैसे इबादत गुजार बंदा बन सकता हूँ? फरमाते हैं इत्तकिल महारिम तकुन अबदन नास। ए अबू हुरैरा, अगर तुम इबादत गुजार बंदों की फहरिस्त में अपने नाम को शामिल करना चाहते हो तो सिर्फ एक काम कर लो, नमाज पढ़ते हो पढ़ो, तुमने रोज़ा रखा रखते रहो, तुम हज करते हो करो, ज़कात देते हो दो। लेकिन अगर अल्लाह के इबादत गुजार बंदों की फहरिस्त में अपने नाम को शामिल करना चाहते हो तो सिर्फ एक काम और कर लो। ए आका वो एक काम क्या है? फरमाते इत्तकिल महारिम तकुन अबदन नास। वो काम ये है कि आज तुम इस बात का अहद कर लो कि ज़िंदगी के हर कदम पर हर हराम से बचने की कोशिश करूँगा, जो हराम से बचेगा अल्लाह इबादत गुजार बंदों की फहरिस्त में उसके नाम को शामिल कर दे। तुम नमाज भी पढ़ते हो लेकिन तुम हराम देखते हो, रोज़ा रखते हो मगर हराम खाते हो, हज करते हो मगर हराम काम करने से अपने आप को नहीं बचाते। याद रखो हराम काम का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हमारी नेकियों पर पानी फेर देता है। हम ये समझते हैं कि हमने सुबह को अपनी नींद कुर्बान की और फजर की नमाज़ पढ़ ली, हम खुदा पर एहसान कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि गर्मी के रमज़ान आए, हमने रोज़े रख लिए, हमने खुदा पर एहसान किया, हमसे बड़ा जन्नत का ठेकेदार कोई है ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ुरान में क्या कहता है? फरमाता है मन अमिला सालिहन फली नफ्सी व मन असा फअलैहा। तुम अगर नेकियों को अंजाम देते हो तो इसका बदला भी तुम्ही को मिलेगा, फ़ायदा भी तुम ही उठाओगे, और अगर गुनाह करोगे तो नुकसान भी तुम ही को झेलना पड़ेगा। खुदा पर कोई एहसान नहीं है, खुदा का कोई नुकसान नहीं है। मेरे दोस्तों और साथियों, आज मुसलमान की तबाही और बर्बादी की असल और बुनियादी वजह यह है कि हम अपने आप को हराम से बचाने में नाकाम हैं। आका फरमाते हैं हर हराम से बच। उलमा और मुहद्दिसीन लिखते हैं कि यहाँ महारिम का लफ्ज़ आया जो जमा है, वाहिद नहीं है, जमा है, जिस्म के हर उज्व का हर हराम इसमें शामिल है। अपने आप को आँखों के हराम से बचाओ, कानों के हराम से बचाओ, ज़बान के हराम से बचाओ, पेट के हराम से बचाओ, हाथ और पैरों के हराम से बचाओ, हराम खाने से, बोलने से, देखने से, सुनने से बचो तो अल्लाह इबादत गुजार बंदों की फहरिस्त में तुम्हारे नामों को शामिल कर दे। मेरे दोस्तों और साथियों, आज हराम से बचने का तसव्वुर लोगों के जहनों से निकल गया है और हाल ये हो गया है कि हम सफ़ेद कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं और पब्लिक के सामने अपनी दीनदारी का ढंडोरा पीटते हैं, और जब तन्हाई में होते हैं तो वो तमाम सियाह कारनामे अंजाम देते हैं जो किसी मोमिन की शाया निशान हो ही नहीं सकते। हराम से बचो, लोगों के सामने हो तब भी हराम से बचो, तन्हाइयों में हो तब भी हराम से बचो। क्यों? 70 पर्दों के पीछे होगे तब भी तुम्हारा रब तुमको देख रहा होगा। फिर आदमी अपनी निजी ज़िंदगी में हराम का इर्तिकाब कैसा करता है? तूने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मोबाइल को नेट से कनेक्ट किया, अब तेरी आंखें भी गुनाह करती हैं, तेरे कान भी गुनाह करते हैं, और तुझे इत्मीनान है कि कमरे का दरवाज़ा बंद है, न बाप आ सकता है, न माँ आ सकती है, न बहन आ सकती है, न भाई आ सकती है, न बेटा आ सकता है, मैं जो चाहूँ देखूँ। याद रख, कोई देखे या न देखे
तेरा रब तेरे हर अमल को देख रहा है। उस रब से डर जिसने आंखों में रोशनी दी है, वो इसकी ताकत भी रखता है कि जब चाहे तो तेरी आंखों से रोशनी को छीन ले। उस रब से डर जिसने हाथों में कुव्वत दी है, वो जब चाहे अपाहज और मफलूज बना दे। उस रब से डर जिसने सुनने की ताकत तेरे कानों में रखी है, वो जब चाहे तुझे बहरा बना दे, जब चाहे गूंगा बना दे, जब चाहे पागल और दीवाना बना दे। गुनाहों में मुब्तला हो करके अपने रब को नाराज मत कर। उसका गुस्सा भड़क गया तो दुनिया की कोई ताकत तुझे उसकी पकड़ से बचा नहीं सकती। अल्लाह कुरान करीम में क्या कहता है, फरमाता है इन बतश रब्बिक लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, वो पकड़ आएगी तो भागने के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं एक बात कह रहा हूँ, उसको समझो। तुम फराइज का एहतमाम कर लो, नफल न पढ़ो, जीना चाहता है मत पढ़ो। तुम फर्ज रोज़ों का एहतमाम करो, जी नहीं चाहता नफली रोज़े मत रखो। तुम फर्ज हज अदा कर लो, फर्ज ज़कात दे दो, नवाफिल में नहीं लगना चाहते हो मत लगो, लेकिन अगर अल्लाह के यहाँ मकबूल बनना चाहते हो तो ज़िंदगी के हर कदम पर गुनाहों से बचने की कोशिश करो, हराम से बचो। वरना याद रखो, हम में से बहुत से लोग वो हैं जो नफल पढ़ना शुरू करते हैं तो उनकी नफली नमाज़ें ही ख़त्म नहीं होती। हम में से बहुत से वो हैं जो नफली रोज़ों का बड़ा अहतमाम करते हैं, ठीक है करो, कोई नहीं मना करता, लेकिन इससे अहम चीज़ है गुनाहों से बचना, हराम से बचना, खुदा की नाफरमानियों से बचना। और तन्हाई में हो तब भी बचो, लोगों के सामने हो तब भी बचो। मुझे एक वाकया याद आया, आपने सुना भी होगा लेकिन मैं फिर सुना देता हूँ कि देखो, जो तन्हाई में अल्लाह के खौफ से गुनाहों से बचता है, दर हकीकत मुत्तकी वही है। लोगों के सामने बचना ये कोई कमाल की बात नहीं है, कमाल की बात तो ये है कि तू तन्हाई में भी बच, क्योंकि अब तुझे कोई नहीं देख रहा है तेरे रब के सिवा। और जो तन्हाई में नहीं बचता, वो या वो अल्लाह के बंदों से डरता है मगर खुदा से नहीं डरता। और जो खुदा से न डरे, उसको तबाही और बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। मुझे याद आया वाकया हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत का। आप रात में मदीने की गलियों में गश्त करते थे। एक रात गश्त करते करते एक घर के पास पहुँचे तो अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही है। कोई बूढ़ी माँ थी जो अपनी बेटी से कह रही थी, बेटी जा ऊँटनी का दूध दूह ले। जब बेटी आगे बढ़ी तो पीछे से माँ कहती है जिदी हिलमा, दूध में पानी मिला देना। वो बेटी माँ की तरफ मुतवज्जे होती है और कहती है अम्मा जान, आप दूध में पानी मिलाने का हुक्म दे रही हैं, अगर ये बात अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु तक पहुँच गई तो वो हमें सख्त सज़ा देंगे। तो माँ फौरन कहती है जा जा, इसमें पानी मिला, उमर कहाँ हैं, वो कैसे देखेंगे। हजरत उमर बाहर खड़े हुए सुन रहे हैं। माँ कहती है जा, उमर को पता नहीं चलेगा, वो कहाँ देख रहे हैं। वो बेटी जवाब में वो तारीखी जुमला कहती है जो आज तक उम्मत मुस्लिमा में नस्लन बाद नस्लन मुंतकिल होता हुआ आ रहा है। वो कहती है इल्लम याराना उमर फरब्बु उमर याराना, ए अम्मा उमर तो नहीं देख रहे हैं मगर उमर का खुदा तो देख रहा है, बताओ कल उस खुदा को क्या मुँह दिखाओगे। हजरत उमर ने गुफ्तगू सुनी माँ की और बेटी की और चले गए, घर की दीवार पर एक निशान लगा दिया, चले गए। सुबह अपने दफ्तर में आके बैठे तो दो पुलिस वालों को भेजा, कहा फना गली के फना घर पर मैंने निशान लगाया है, उसमें जितने लोग हैं पकड़ के लिया आओ। पुलिस वाले ले आए तो वहाँ कोई मर्द तो था ही नहीं, सिर्फ दो औरतें थीं, एक माँ थी और एक बेटी थी। अब हजरत उमर कहते क्या है, मजलिस लगी हुई है, शुरफा मौजूद हैं, उलमा अकाबिर मौजूद हैं, सहाबे किराम की जमात मौजूद है,
हज़रत उमर उस बूढ़ी से मुखातब होते हैं और पूछते हैं तुम कहाँ की हो, कैसे आई हो, क्या है, सब बात करके फिर फरमाते हैं मैं तेरी इस बेटी से अपने बेटे का रिश्ता देता हूँ। लोग हैरान हैं कि एक देहाती औरत जिसके घर में कोई मर्द भी नहीं है, अमीरुल मुमिनीन अपने शहजादे का रिश्ता उससे दे रहे हैं। लोगों ने पूछा तो अमीरुल मुमिनीन ने जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल है। अमीरुल मुमिनीन जवाब देते हैं कि ये देहाती है, हम नहीं जानते कि ये किस खानदान की है, हमें इसके घर का अता पता, गांव का सही एड्रेस मालूम नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि इसकी बेटी के दिल में अल्लाह का खौफ मौजूद हो है, और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है। ये खौफ खुदा का असर है कि ये तन्हाई में भी, लोगों से छुप कर भी गुनाह करने के लिए तैयार नहीं हुई, और इसने माँ को जवाब दिया कि अल्लाह नहीं देख रहा है मगर हजरत उमर नहीं देख रहे हैं, मगर हजरत उमर का खुदा तो देख रहा है। ये दलील है इस बात की कि इसके दिल में खौफ खुदा हो, इसलिए मैं अपने बेटे का रिश्ता इससे करूँगा ताकि इसके बतन से जो नस्ल निकल के आए उसमें भी अल्लाह का खौफ हो जाए। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उसी खातून के बतन से पैदा होने वालों में हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ का नाम भी आता है, जिनको उम्मत ये कहने पर मजबूर है कि उन्होंने जो अपने ज़माने में हुकूमत का तरीक़ा इख्तियार किया वो बिल्कुल खुलफाए राशिदीन के तरीक़े के ऐन मुताबिक था। ये उस माँ के पेट से जन्म लेने वाली औलाद है जिसके दिल में खौफ खुदा था। मेरे दोस्तों और साथियों, आओ हम आज से तय करते हैं कि इंशाल्लाह ज़िंदगी के हर कदम पर गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे, हर हराम से बचेंगे, आँखों के हराम को भी छोड़ो, कानों के हराम को भी छोड़ो, ज़बान से भी गलत बात बोलना, झूठ बोलना, गीबत करना छोड़ो, रिज़्क हलाल कमाओ, रिज़्क हलाल खाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादत गुजार बंदों की फहरिस्त में अपने नाम को शामिल, आपके नाम को शामिल कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही इस्लामी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु आपने 5 नसीहतें फरमाई। पहली नसीहत यही थी, इत्तकिल महारिम तकुन अबदन नास, ए अबू हुरैरा हर हराम से बचो, अल्लाह इबादत गुजार बंदों की फहरिस्त में तुम्हारे नाम को शामिल कर देगा। क्यों भाई, इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी नसीहत फरमाते हैं, वर्दा बीमा कसम अल्लाहु लक तकुन अग्नन नास, जितने लोग यहाँ बैठे हैं मैं अगर इनसे पूछूं कि क्या आप मालदार बनने का नुस्खा जानना चाहते हैं कि नहीं, तो हर एक ये कहेगा साहब इससे बेहतर कौन सा नुस्खा हो सकता है। क्यों भाई, आप जानना चाहते हो कि नहीं, आका बताते हैं, फरमाते हैं वर्दा बीमा कसम अल्लाहु लक तकुन अग्नन नास, आओ मैं तुम्हें नुस्खा बताऊँ कि तुम कैसे मालदार तरीन इंसान बन सकते हो। इस नुस्खे को सुनने से पहले एक बात जहन में रखो, मालदार वो नहीं है जिसके पास रुपए पैसे के ढेर हो, मालदार वो नहीं है जिसके पास बैंक बैलेंस हो, मालदार वो नहीं है जिसके पास लंबा चौड़ा कारोबार हो, मालदार वो नहीं है जिसके पास बेहतरीन घर हो। मालदार कौन है? मालदार वो है जिसके दिल को अल्लाह ने चैन और सुकून की दौलत से भर दिया, जिसके पास चैन और सुकून की दौलत मौजूद है वो इस दुनिया का सबसे मालदार इंसान है, और जिसके पास सब कुछ है मगर चैन और सुकून नहीं है उससे ज़्यादा गरीब और फ़कीर कोई नहीं हो सकता। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आओ मैं तुमको बताता हूँ कि तुम मालदार इंसान कैसे बन सकते हो। फरमाते हैं एक ही गुर है उसका, वो क्या? वो ये है कि खुदा ने जो तुझको दिया है
तू उस पर राजी होकर अपने रब का शुक्र अदा कर, खुदा तेरे दिल को चैन सुकून की अनमोल दौलत से भर देगा। खुदा ने जो तुझको दिया है तू उस पर राजी हो जा, तो तुझे चैन सुकून की दौलत मयसर आ जाएगी। और अगर तू राजी नहीं होगा तो सब कुछ होने के बाद भी चैन सुकून से महरूम ही रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस शरीफ में इसकी वजाहत फरमाते हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, आज हमारा हाल क्या है? हमारे पास एक कमरे का फ्लैट है तो हम उसे देखते हैं जिसके पास दो कमरे का फ्लैट है और आहें भरते हैं कि उसके पास तो दो कमरे का फ्लैट है और मेरे पास एक ही कमरे का। याद रखो, ये एक कमरे का फ्लैट तेरे पास है ये भी खुदा की नेमत है। अगर तू दो कमरे वाले को देखेगा, तीन कमरे वाले को देखेगा और आहें भरेगा तो हो सकता है खुदा तुझको अपनी इसी नेमत से भी महरूम कर दे। क्योंकि कुरान क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नेमतों में इजाफा करता चला जाऊंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरी पकड़ बहुत सख्त है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि खुदा ने जो तुझको दिया है तू उस पर रजामंदी का इजहार कर, खुदा का शुक्र अदा कर और उस पर खुशी का इजहार कर, खुदा तेरे दिल को चैन सुकून की अनमोल दौलत से भर देगा। एक दूसरी हदीस में आका क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि एक है दीन और दूसरी चीज़ है दुनिया। आका फरमाते हैं जब भी तू दुनिया के एतबार से अपना मुकाबला कर तो उससे कर जिसके पास दुनिया तुझसे कम है। अपना मुकाबला उससे कर जो तुझसे पीछे रह गया है, जिसके पास पैसे भी कम हैं, घर भी छोटा है, जमीन जायदाद भी नहीं है, तू अपना मुकाबला उससे कर तो इसका फ़ायदा क्या होगा? तू अपना हाल उससे बेहतर देखेगा तो तेरी ज़बान पर शुक्र के कलिमात अदा होंगे। इधर तू शुक्र अदा करेगा उधर खुदा अपनी नेमतों में इजाफे का फैसला फरमाता चला जाएगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और आगे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तेरा मुकाबला दीन में किसी से हो तो दीन में मुकाबला उससे कर जो तुझसे आगे है दीनदारी में, उससे कर जो तुझसे बड़ा दीनदार है। जब तू अपना मुकाबला दीन में उससे उस शख्स से करेगा जो दीनदारी में तुझसे आगे बढ़ा हुआ है तो खुदा तुझको भी दीनदारी में मेहनत करने की और मजीद हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाएगा। मेरे दोस्तों और साथियों, आज हर आदमी परेशान है, कोई टेंशन में मुबतला है, कोई डिप्रेशन में मुबतला है, कोई ब्लड प्रेशर में मुबतला है। क्यों? इन बीमारियों की वजह यही है कि जो अल्लाह ने हमें दिया है हम उस पर उसका शुक्र अदा करने को तैयार नहीं है। मेरे दोस्तों और साथियों, आज हाल यह है कि अगर हमारे पास एक गाड़ी है तो हम उसको देखते हैं जिसके पास हमसे अच्छी गाड़ी है। अरे उसको देख जिसके पास साइकिल है तो तेरे दिल में शुक्र का जज्बा पैदा होगा। और आज तेरे पास साइकिल है तो तू गाड़ी वालों को मत देख, उसको देख जिसके पास साइकिल भी नहीं है। और अगर तेरे पास साइकिल भी नहीं है फिर किसको देख? उसको देख जिसके दोनों पांव नाकारा हो चुके हैं। तेरे पांव काम तो कर रहे हैं, अगर खुदा तुझसे पांव की इस कुव्वत को छीन ले तो क्या करेगा? मेरे दोस्तों और साथियों, हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, हम कहाँ खड़े हैं। आओ हम तय करें कि रब्बे जलाल ने जो हमें दिया है हम जिंदगी के हर कदम पर उसकी नेमतों को याद करके उसका शुक्र अदा करते रहेंगे और कभी नाशुक्री नहीं करेंगे, कभी किसी को देख करके हिर्स और लालच में मुबतला नहीं होंगे, कभी लंबी लंबी आरजुएं नहीं बांधेंगे। रब ने जो दिया है उसका शुक्र है, वो अगर ये भी न देता तो हम कहाँ जाके रहते हैं।
मेरे दोस्तों, ये शुक्र के कलिमात और ये जज्बात शुक्र अल्लाह को बहुत पसंद है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को चैन और सुकून की अनमोल दौलत से मालामाल फरमाए। तीसरी नसीहत फरमाते हैं, वाहिब लिन्नासी मा तुहिब लिनफ्सिका तकुन मुमिनन। मुसलमानों गिरेबान में झांको, कहाँ खड़े हैं? आका क्या फरमाते हैं? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अपनी जगह है, लेकिन ये पांच नसीहतों को दिल में बिठा लो, मजबूती से थाम लो। आका फरमाते हैं, तुम आओ मैं तुम्हें बताऊं कि एक शख्स पक्का सच्चा मोमिन कैसे बनेगा। अच्छा साहब, हम नमाज पढ़ते हैं फिर भी मोमिन नहीं? नहीं, मोमिन हो, रोज़ा रखते हो मोमिन हो, कलमा पढ़ते हो मोमिन हो, लेकिन पक्का सच्चे मोमिन कब हो गए? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वाहिब लिन्नासी मा तुहिब लिनफ्सी का तकुन मुमिनन। फरमाते हैं, अगर तुम पक्के सच्चे मोमिन बनना चाहते हो तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के साथ साथ एक काम और कर लो। ये आका वो क्या काम है? फरमाते हैं वो ये है कि आज से ये अहद कर लो कि मैं सारी दुनिया के लिए उसी चीज़ को पसंद करूँगा जो मैं अपने लिए पसंद करूँगा। अगर तू अपने लिए इज्जत को पसंद करता है तो हर एक को इज्जत दे, अगर तू अपने लिए कामयाबी को पसंद करता है तो कभी किसी की कामयाबी में रोड़ा मत बन, तू अगर तरक्की को पसंद करता है तो हर एक की तरक्की का ख्वाहां रहे, ऐसा न हो कि तेरी जात से किसी को नुकसान पहुंचे। मेरे दोस्तों, हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, लेकिन जहाँ दुनिया का मामला आ जाता है वहाँ हम हर एक को पीछे ढकेल करके खुद ही आगे बढ़ना चाहिए। आका फरमाते हैं, तू पक्का मोमिन नहीं है, जो तू अपने लिए पसंद करता है वही दूसरे के लिए पसंद कर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पक्के सच्चे मोमिनों की फहरिस्त में तेरे नाम को शामिल करते हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, हम आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ करके जलील व ख़ार हो रहे हैं। याद रखो, कामयाबी और तरक्की उसी वक्त मिलेगी जब आका की बताई हुई बातों पर अमल करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर लें। एक साहब दुकान पर बैठे थे, देखो दूसरों के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, और किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि तुम ये नहीं चाहते कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए, तो तुम किसी और को नुकसान पहुंचाने का जरिया कैसे बनते हो? तुम ये नहीं चाहते कि कोई तुम्हें तुम्हारी तरक्की में रखना डाले, तो तुम दूसरे की तरक्की से क्यों जलते हो? तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हें जानी व माली नुकसान पहुँचे, तो तुम किसी और के नुकसान का जरिया क्यों बनते हो? एक साहब दुकान पर बैठे थे अपने दोस्तों के साथ, एक शख्स आया, उसने दिरहम का एक सिक्का उनको दिया और कहा ये चीज़ मुझे दे दीजिए। उन्होंने इस सिक्के को सामने से भी देखा, पलट के भी देखा, और जो चीज़ वो मांगने आया था उठा के, जो ख़रीदने आया था वो उठा के उसको वो चीज़ दे दी। जब वो चला गया ग्राहक, तो दोस्तों ने कहा कि हजरत ये जो सिक्का इसने दिया है ये तो खोटा है। तो वो कहने लगे, हाँ मैंने भी इसे उलट पलट करके देख लिया था और मैं पहचान गया था ये खोटा है। तो साथियों ने कहा, फिर खोटा सिक्का आपने ले करके उसकी मतलूबा चीज़ उसको क्यों दे दी? तो क्या फरमाते हैं? कहते हैं, मैं नहीं चाहता था कि यह खोटा सिक्का लेकर के किसी और दुकानदार को धोखा दे, इसलिए मैंने इसका सिक्का ले लिया ताकि दूसरे लोग धोखे से, बेईमानी से बच जाए। क्या हमारे दिल में ये जज्बा है? मेरे दोस्तों और साथियों, हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम जोर ज़बरदस्ती से नहीं फैला,
इस्लाम जबर इस्तिदाद से नहीं फैला, इस्लाम फैला है तो बेहतरीन अखलाक और उम्दा किरदार से फैला है। आज मुसलमान अपने किरदार को ख़राब कर बैठे। मैं कहता हूँ आपसे कि हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई कोना हो, हमारा कोई मुखालिफ नहीं। हकीकत यह है कि हमारा कोई मुखालिफ नहीं। हम फ़िरका परस्तों को कहते हैं, हम सियासी पार्टियों को कहते हैं, हम बहुत सी तंजीमों को कहते हैं, मगर हमारा कोई मुखालिफ नहीं है। हमारा मुखालिफ कौन है? देखो अल्लाह जिक्र फरमाता है, अल्लाह कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफू अन कसीर। रब्बुल जलाल कहता है जो मैं तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंच रही है और जिन परेशानियों में तुम घिरे हो, उनकी असल वजह वो नहीं है जिनको तुम समझ रहे हो। फरमाते तुम्हारी मुसीबत की असल वजह तुम्हारी अपनी बदआमालियाँ, हमारी अपनी कमियां हैं। हमने इस्लामी अखलाक और किरदार को छोड़ा, नबी की तालीमात को छोड़ा, परेशानियों ने हमें घेर लिया। आका फरमाते हैं वाहिब लिन्नासी। यहाँ पर मुहद्दिसीन ने एक बात और लिखी है, फरमाया वाहिब लिन्नासी, सारी दुनिया के इंसानों के लिए वो पसंद कर जो तू अपने लिए पसंद करता है। किसी का दीन और धर्म मत देख, किसी कौम की कौमियत और बिरादरी मत देख, अपना और गैर मत देख, इंसान देख। जो भी इंसान है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो इंसान है उसके लिए वो पसंद कर जो तू अपने लिए पसंद करता है। और यही वजह है, हमें यही तालीम दी गई है कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वो गैरों के लिए पसंद करो। ऐ खुदा तू गवाह रहना, हम अपने लिए इस्लाम को पसंद करते हैं, हम अपने लिए कलमे शहादत को पसंद करते हैं, हम अपने लिए इस आखिरी दीन को पसंद करते हैं। इंशाल्लाह जब तक जिएंगे इस आखिरी दीन की तालीम गैरों को भी देते रहेंगे। मगर किस तरह से दोगे? ज़बान से या अमल से? ज़बान से या किरदार से? ज़बान से या अखलाक से? ज़बान से या अपने कैरेक्टर से? याद रखो, वो दावत जो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक हो उसका कोई असर नहीं होता। अगर इस्लाम की दावत देना है तो इस्लामी किरदार को पेश करो, इस्लाम की दावत देना है इस्लामी अखलाक को पेश करो, इस्लाम की दावत देना है तो इस्लामी तालीमात पर अमल करके दिखाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैरों के दिलों को मोम कर देगा और उनको भी आपका दीन कबूल करने की तौफीक अता फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तीसरी नसीहत फरमाते हैं वाहिब लिन्नासी मा तुहिब लिनफ्सी का तकुन मुमिनन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आज से तय करो कि मैं हर इंसान के लिए वही चीज़ पसंद करूँगा जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ, चाहे उसका दीन और धर्म कुछ भी हो, चाहे उसकी कौमियत और बिरादरी कुछ भी हो, चाहे उसका रंग और नस्ल कुछ भी हो, मैं अल्लाह के नबी की इस तालीम पर अमल करूँगा। और याद रखो, इस्लाम के अदल और इंसाफ ने बड़े बड़े मुतकब्बिर और मगरूर सरों को झुकने पर मजबूर किया है, आज भी इसकी ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस लाइन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए चलना आसान बना दे। चौथी नसीहत आप फरमाते हैं वाहसिन इला जारी का तकुन मुस्लिमन। देखो यहाँ पर भी अजीब व गरीब तालीम है, नमाज भी पढ़ो, रोज़े भी रखो, हज भी करो, ज़कात भी दो, लेकिन अगर तुम पक्के सच्चे मुसलमान बनना चाहते हो तो एक काम और करो। ये आका वो कौन सा काम है? हमने तो नमाज पढ़ ली, इससे बड़ा काम कौन सा है? फरमाते नहीं, नमाज रोज़ा हज ज़कात के साथ साथ एक काम और करो, तभी तुम पक्के सच्चे मुसलमान बनोगे। अभी पक्के मुसलमान नहीं हुए। ये आका वो कौन सा काम है?
फरमाते हैं वो काम ये है कि तू आज से इस बात का अहद कर ले कि इंशाल्लाह मैं ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अपनी ज़बान से, अपने हाथ से, अपने अमल से कभी अपने पड़ोसी के दिल को तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। जो पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करे, पक्के सच्चे मुसलमानों की फहरिस्त में खुदा उसके नाम को शामिल कर देगा। गौर करो मुसलमानों, पड़ोसी का लफ्ज़ आया है, मुस्लिम की कैद इसमें नहीं लगी है। जिसका दरवाज़ा आपके दरवाजे के सामने है, जिसकी दीवार आपकी दीवार से मिल रही है, वो आपका पड़ोसी है। चाहे उसकी कौमियत कुछ भी हो, उसका मज़हब कुछ भी हो, उसका रंग और नस्ल कुछ भी हो, वो आपका पड़ोसी है। और आकाए दो जहां सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक कर। एक सहाबी के घर में बकरे का सालन बना। वो बाहर थे, घर में तशरीफ़ लाए तो खुशबू आई। फरमाया, खुशबू कैसी है साहब, आज बकरे का सालन बना है। फौरन फरमाते हैं, बैठे नहीं, दस्तरखान बिछा नहीं, खाना लगा नहीं। फौरन फरमाते हैं, मेरे यहूदी पड़ोसी के यहाँ भेजा कि नहीं भेजा? मेरा यहूदी पड़ोसी है, उसके यहाँ आपने इसमें से कुछ भेजा कि नहीं भेजा? और जब तक घर वालों ने नहीं भेज दिया, उस वक्त तक वो दस्तरखान पर नहीं बैठे। वाहसिन इला जारी का तकुन मुस्लिमन, तिर्मिज़ी में रिवायत मौजूद है। मेरे दोस्तों और साथियों, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक की इस कदर ताकीद फरमाई है। और आज हम गैर मुस्लिम को तो छोड़ें, मुसलमानों के महलों में पहुंच जाओ तो ऐसा लगता है हर पड़ोसी का हाथ दूसरे पड़ोसी के गिरेबान पर। झगड़ा होगा किस पर? कूड़ा डालने पर, नाली साफ करने पर, मोटरसाइकिल खड़ी करने पर, दरवाज़ा खोलने और बंद करने पर। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी का हक किस तरह बयान किया है? एक रिवायत में फरमाते हैं कि खुदा ने तुझे पैसा दिया है, तेरा पड़ोसी गरीब है, तू अपना घर बनाना चाहता है, बना ले, कोई मसला नहीं। लेकिन आका क्या कहते हैं? फरमाते हैं, घर बनाते वक्त अपने घर की दीवार को ज़्यादा ऊंची मत करना, और इस बात का ख्याल रखना कि तेरे घर की दीवार के ऊंचे होने की वजह से पड़ोसी के घर में जाने वाली हवा और रोशनी न रुक जाए। अगर तेरे घर की वजह से, तेरी दीवार की वजह से पड़ोसी के घर में जाने वाली हवा और रोशनी रुकती है तो तू पड़ोसी को तकलीफ़ पहुंचाने वाला बनेगा। और जो पड़ोसी को तकलीफ़ पहुंचाए, पक्के सच्चे मुसलमानों की फहरिस्त में उसका नाम कभी शामिल नहीं होता। दूसरी रिवायत में आप क्या फरमाते हैं, गौर करो। फरमाते हैं, खुदा ने तुझे पैसे दिए हैं, तू अपने बच्चों के लिए घर से फल लेकर के आना चाहता है, तेरा पड़ोसी गरीब है, तू अपने बच्चों को फल खिलाना चाहता है, खिला, लेके आ। लेकिन फरमाते हैं, जब फल लेकर के आ तो बच्चों को इस बात का पाबंद बना कि वो फल घर की चार दीवारी में रहते हुए खा लें, हाथ में लेकर के कोई बच्चा घर से बाहर न निकले। ये आका क्यों? फरमाते हैं, तेरा बच्चा अगर अब फल हाथ में लेके घर से बाहर निकलेगा तो हो सकता है पड़ोसी के बच्चे की उस पर नज़र पड़े और वो भी अपने बाप से कहे कि मुझे भी फल चाहिए, और उसका बाप गरीब है, वो उसे खिला नहीं सकता, तो उसका दिल दुखेगा। और तेरे किसी अमल से पड़ोसी का दिल दुखे तो खुदा के यहाँ मकबूल बंदों की फहरिस्त से तेरे नाम को खारिज कर दिया जाए। मेरे दोस्तों और साथियों, आओ हम ये तय करें कि इंशाल्लाह हमारा पड़ोसी हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई हो, हमेशा हम उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे। और एक बात सुन लो, हम में से बहुत से लोग बेवकूफ़ी करते हैं। आप पूछो उनसे कि भाई आपका अपने पड़ोसियों के साथ कैसा ताल्लुक़ है, तो आदमी जवाब क्या देता है कि साहब मेरे दो पड़ोसी हैं, एक मुझसे बहुत अच्छी तरह मिलता है, मैं भी अच्छी तरह मिलता हूँ, और दूसरा जो है वो बात ही नहीं करता, वो न मेरी खुशी में शरीक होता है, न गम में शरीक होता है, न आता है न मिलता है, तो मेरा भी उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। याद रख,
रखो, अगर आपका पड़ोसी आपके साथ बदसुलूकी कर रहा है तो वो गुनाहगार है, उसके गुनाह की वजह से आपके लिए गुनाह करना कहाँ से जायज हो जाएगा? वो बदसुलूकी करेगा खुदा के यहाँ वो पकड़ा जाएगा। लिहाजा आपको अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक करना है, चाहे पड़ोसी हुस्न सुलूक करे या ना करे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके साथ अपने मामलात को हमेशा अच्छा रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आखिरी चीज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रिवायत में पांचवी नसीहत क्या फरमाते हैं? कहते हैं वला तुकसिर अद्दहक फइन्न कसरत अद्दहक तुमीतुल क़ल्ब। नौजवानों सुनो कान खोल के, आका फरमाते हैं इंसान के जिस्म में आंखें भी हैं, कान भी हैं, जबान भी है, दिमाग भी है, दिल भी है। ये बताओ इन तमाम अज़ा में सबसे अहम उज्व कौन सा है? बताओ भाई, सबसे अहम उज्व दिल है। अगर दिल काम करना छोड़ दे तो आंखें भी, कान भी, जबान भी, हाथ और पैर भी, हर चीज काम करना छोड़ देगी। अगर दिल की हरकत बाकी है तो जिस्म के आज़ा काम करते रहेंगे, और जिस दिन हरकत कल्ब बंद हो जाएगी तमाम आज़ा अपना काम छोड़ देंगे। इंसान के जिस्म में हयात को बाकी रखने वाली चीज दिल है। और याद रखो मुसलमानों, यही दिल वो चीज़ है कि जो इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करने का ज़रिया बनती है। अगर दिल ज़िंदा है तो इसमें खौफ खुदा पैदा होगा, अगर दिल ज़िंदा है तो इसमें आखिरत की फ़िक्र पैदा होगी, अगर दिल ज़िंदा है तो मौत का खौफ होगा, अगर दिल ज़िंदा है तो गुनाहों से बचने का की फ़िक्र होगी, और अगर दिल मर गया तो जिस तरह मरे हुए दिल की वजह से सारा जिस्म मर जाता है दिल के मरने से, इसी तरह दिल के मरने से इंसान का की नेकियों का सिलसिला भी ख़त्म हो जाता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने दिल को मुर्दा होने से बचाओ। ए अल्लाह के नबी, मुर्दा कैसे हो जाएगा दिल? फरमाते हैं वला तुकसिर अद्दहक, एक चीज़ से बचो वरना तुम्हारा दिल मुर्दा हो जाएगा। ये आका वो कौन सी चीज़ है? फरमाते हैं बहुत ज़्यादा खिलखिला के हंसना और हर वक्त कहकहे और ठट्टे लगाना, ये वो चीज़ है जो दिल को मुर्दा कर देती है। जवानों बताओ आज हमारा क्या हाल है? दो साथी खड़े हो जाते हैं रोड पर, एक एक घंटा नहीं, दो दो तीन तीन घंटे खड़े होकर कहकहे लगाते रहते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बहुत ज़्यादा कहकहा लगाने और हंसने से बच वरना तेरा दिल मुर्दा हो जाएगा। जो हर वक्त हंसेगा खुदा उसको खौफ आखिरत से महरूम कर देगा, जो हर वक्त हंसेगा मौत का खौफ उसके दिल से निकल जाएगा। याद रखो जिस दिल में मौत का खौफ ना हो, जिस दिल में आखिरत की फिक्र ना हो, जिस दिल में खुदा के सामने जवाब खड़े होकर के जवाबदेह होने की फिक्र ना हो, वो दिल मुर्दा है। चाहे डॉक्टर उसको कितना ही जिंदा कहें मगर अल्लाह और रसूल की नज़र में वो दिल मर चुका है। आज हमारा हाल ये है कि हम हंसी मजाक के सिवा कुछ करते ही नहीं। देखो हंसने से मना नहीं किया गया है, यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है वो कसरत का लफ्ज़ है, बहुत ज़्यादा हंसना। आदमी मुस्कुरा रहा है, बच्चों की बातों पे हंस रहा है, कभी हंस बोल रहा है, ये चीज़ ममनू नहीं है, ये तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। लेकिन हर वक्त ठट्टा लगाना, हर वक्त हंसी मजाक करना, हर वक्त कहकहे लगाते रहना, ये चीज़ ममनू है, इससे दिल मर जाता है। और जब दिल मर जाता है तो होता क्या है? जब दिल मर जाएगा तो एक घंटे की नहीं 24 घंटे की तकरीरें आप सुनते रहो, आपके दिल पर किसी तक तकरीर का कोई असर नहीं पड़ेगा, खैर की किसी बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुर्दा दिलों का तज़किरा करते हुए कुरान में क्या फरमाता है?
كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ کہتا ہے ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے, اب اس دل پر کسی خیر کی بات کا کوئی اثر نہیں. اللہ رب العزت جب کسی کے لیے بربادی کا فیصلہ فرماتا ہے تو کیا کرتا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ رب العزت سب سے پہلے دلوں پر مہر لگا دے گا. اب دل پر مہر لگ گئی تو کچھ بھی دکھا دو کسی بات کا کوئی اثر نہیں, کچھ بھی اس کو سنا دو کسی بات کا کوئی اثر نہیں. ہر چیز چکنے گڑے کی طرح سے اس کے اوپر پڑتی ہے اور بہ جاتی ہے. میرے دوستو اپنے دلوں کی حفاظت کرو. دلوں کی حفاظت کے لیے ایک کام تو یہ ہے کہ بہت زیادہ قہقہ لگانے ہنسنے سے اور ہر وقت ٹھٹا کرنے سے بچو. اور دلوں کی حفاظت کے لیے ایک کام اور کرو, وہ کیا ہے, جب انسان گناہ کرتا ہے تو آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. تو نے گناہ کیا تیرے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ گیا, اگر دوسرا گناہ کرے گا دوسرا دھبا, تیسرا گناہ کرے گا تیسرا, حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا. اور جب دل سیاہ ہو گیا تو خیر کے راستے بند ہو گئے. اب دل کو سیاہ ہونے سے کیسے بچایا جائے؟ پہلا کام تو یہ کہ قہقہ لگانے سے, بہت زیادہ ہنسنے سے, ٹھٹا مارنے سے بچو. اور دوسرا کام یہ کرو, آج سے طے کر لو جب کوئی گناہ ہو تو فوراً دو آنسو بہا کر سچے دل سے توبہ کر دیا کرو. یہ آنسو دل کے دھبے کو دور کر دے گا اور خدا تیرے دل کو پھر سے صاف اور شفاف کر دے گا. اور اگر توبہ نہیں کی, گناہ سے معافی نہیں مانگی, اپنے جرم کا اقرار نہیں کیا, تو وہ سیاہی باقی رہے گی اور بڑھتی چلی جائے گی حتیٰ کہ دل مردہ ہو جائے گا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں معافی مانگنے والوں کا بہت اچھے انداز سے تذکرہ کرتا ہے اور کیا کہتا ہے, والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں کسی حرام کام کا ارتکاب کر کے, تو ان میں جو متقی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ فوراً دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں, اے اللہ گناہ ہو گیا, میرے گناہ کو معاف کر دے, اور اے رب تیرے سوا کون ہے جو میرے گناہ کو معاف کر سکے. میرے دوستوں اور ساتھیوں یہ دوسرا کام بھی کرو. اللہ رب العزت اس کی برکت سے بہت سے موقعوں پر ہماری اور آپ کی مدد فرمائے گا. یاد رکھو, رونے والی آنکھیں اللہ کو بہت پسند ہیں. آپ سے گناہ ہوا, نافرمانی ہوئی, خدا کا کوئی حکم ٹوٹا اور آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی, تو اللہ رب العزت قرآن میں صرف اتنا ہی نہیں کہتا کہ میں تیرے گناہ کو معاف کروں گا, بلکہ کیا کہتا ہے, اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جو ایمانی راہوں پر چلا اور سچے دل سے اس نے توبہ کر لی تو اللہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ میں اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دوں گا. میرے دوستو یہ پانچ نصیحتیں ہیں. سب سے پہلی نصیحت یہ کہ اگر تم عبادت گزار بندے بننا چاہتے ہو تو ہر حرام سے اپنے دامن کو بچاؤ. دوسری نصیحت یہ کہ اگر تم اپنے دل کو چین و سکون کی انمول دولت سے لبریز کرنا چاہتے ہو تو رب ذوالجلال نے جو دیا ہے اسے خوشی سے قبول کر لو. کسی کو دیکھ کر کے مقابلہ آرائی مت کرو, لالچ اور حرص میں مت پڑو, خدا نے جو دیا ہے اس پر رضا اور خوشنودی کا اظہار کرو.
और अगर तुम पक्के सच्चे मोमिन बनना चाहते हो तो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो तमाम जहान के इंसानों के लिए वही पसंद करो। तुम पक्के सच्चे मुसलमान बनना चाहते हो तो हमेशा अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक करो। और आखिरी नसीहत, अपने दिल को मुर्दा होने से अगर बचाना चाहते हो तो हमेशा ठट्टा मारने, हंसी मजाक करने और बहुत ज़्यादा खिलखिलाने से बचो, क्योंकि कसरत ज़हक ये दिल को मुर्दा कर देता है और इंसान को खुदा की रहमतों से महरूम कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक से मालामाल फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।